प्रदेश की राजनीति में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले धूमल और नड्डा की धूमल के घर पर ब्रेकफास्ट पर हुई मंथना को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के घर समीरपुर में सुबह के समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है। जेपी नड्डा सुबह करीब 8:30 बजे धूमल के घर पहुंचे, जिस पर धूमल ने भी घर द्वार पर पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। बाद में दोनों दिग्गजों ने घर में करीब 1 घंटे तक मंथना की। कयास लगाया जा रहे हैं कि नड्डा और धूमल ने लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों के बाद पहली बार जेपी नड्डा ने धूमल से इस तरह मंथना की है, तो कांग्रेस के द्वारा प्रदेश में छेड़े लोकसभा चुनावों के संकनाद के बाद बीजेपी को भी अपनी चारों सीटों की चिंता सताने लगी है, जिस कारण ही जेपी नड्डा भी सक्रिय हो गए हैं कि किस तरह से चारों सीटों को जीता जाए। इसके चलते ही गत दिवस धर्मशाला में भी सांसद शांता कुमार के साथ भी गुप्तगू हो चुकी है। हालांकि जेपी नड्डा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस तरह चुपचाप धूमल के घर जाने पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों से बनी हुई है।